सो हाय गाइस, वेलकम है आपका उस हमारे वीकली स्पोर्ट पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में दोस्तों। तो बहुत समय बाद मुझे पता है मंगलवार वेनेसडे को लाता है, और दोस्तों भी आपको वीडियो देख रहे होगी आई थिंक, तो फ्राइडे को दोस्तों भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे यार। तो यार गाइस, उसके एक दिन पहले मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, बहुत सारे काम है यार। अभी हमारी एग्जाम आने वाली 6 तारीख से, फिर हमारा 24 तारीख को हमारे कोई तो एक कॉलेज में हमारा एक असाइनमेंट है, 27 तारीख को एक असाइनमेंट है। तो बहुत सारे दोस्तों काम है, बहुत सारे कॉलेज का वर्क है, इसके वजह से और भी कोई स्पोर्ट्स भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैं एक आध दो दिन एक्टिव नहीं था। बट आज दोस्तों हम भी बात करने वाले, जो जो हमारे पिछले हफ्ते में जो जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे, मतलब इंडिया के स्पोर्ट्स में जो जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं बात करूँ पिछले हफ्ते में क्या क्या हुआ था, हम पिछले हफ्ते में रेसलिंग रेसलिंग की हमने कुछ भी बात नहीं किया, बिकॉज पिछले हफ्ते हमारी रेसलिंग शुरू हुई थी, हमने सिर्फ डे 1 डे 2 की बात की थी। डे मतलब जो अपना जिया फायर को रोमन था, उसकी हमने बात की थी। पर आज दोस्तों हम बात करेंगे हमारा कैसा गया, मुझे दोस्तों क्या मेरे ओपिनियन है। वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला आपको, पर फिर भी एक बार अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कैसा लगा। मुझे मतलब ये वाला जो रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप दोस्तों है वो कैसी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे बोलूंगा, मैं तो उसको बैलेंस ही बोलूंगा। मतलब क्या दिक्कत वाली बात रही ना, जो जिससे हमको एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों वो उन्होंने अच्छा नहीं किया। जैसे जैसे अपने विनेश की बात करूं, विनेश में और थोड़ा अच्छा जाता था, ब्रॉन्ज अच्छी बात है पर और मैं थोड़ा चाहता था। बजरंग पुनिया में ब्रॉन्ज सिल्वर मैं चाहता था, कम से कम उसको भी सिल्वर मिले यार, कम से कम फाइनल खेले, वो भी नहीं हो पाया। वह अगर मैं बात करूं जो अपना रवि है ना, रवि उसको तो कहीं राउंड वन में बाहर हो गया, कहीं बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था यार। पर चलो ठीक है, जो होता है कहीं अभी होपफुली जो अपना अगला साल है, अगले साल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों जो 2024 हमको कहीं देखने मिलेगा ओलंपिक, तो 2023 में दोस्तों इन लोग सारे अच्छे लोग अच्छा करे। पर दोस्तों मैं पॉजिटिव थिंग्स की बात करूं यार, तो पॉजिटिव थिंग मेरे मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा आपको, जो हमारे यंग रेसलर्स रहे यार, जैसे हमारे नवीन मलिक है, उसको उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला था, सागर ने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला था, और कौन थी एक का मैं नाम बोल रहा हूँ, निशा ने अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच किया, तो सेमीफाइनल में जाके आ रही थी यार, जापानीज प्लेयर के साथ जाके आ रही थी, और वो भी मेरे ख्याल से एकदम क्लोज मैच ही था। तो मेरे ख्याल से मैं मिक्स बोलूंगा यार, 3 प्लेयर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, कुछ हमको न्यू रेसलर्स भी मिले, और जिनसे हमको दोस्तों उम्मीद थी उन्होंने कुछ ऐसा खासा किया नहीं है। रवि किससे तो मैं क्या ही बोलूँ, राउंड वन में वो हार गया, मैं फिर भी वही बोलूंगा जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ यार, कि उस दिन ना मतलब उसने उतना खराब नहीं खेला, कि प्लेड बैड बट नॉट डेड बैड यार, बट उसका अपोनेंट आना उस दिन उसने आउट प्ले कर दिया उसको यार, वो आपको स्कोर में देखने में मिल रहा होगा आपको। तो यार गाइस, वो तो फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया, जिससे वो हारा वो फाइनल में पहुंचा नहीं, तो उसको रेपेचार्ज का भी मौका नहीं मिला। सेम अगर मैं बजरंग की बात करूं यार, जिस तरीके से उसको जिसके जो अपोनेंट उसको पैर पे ये कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उसको कुछ तो था यार, कुछ तो उसमें एक गड़बड़ थी, मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा था वो मतलब इंजरी तो उसको है यार, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी वो फुल्ली फिट नहीं है, जो ऊपर वाले जो उसको इंजरी थी वो तो है ही यार, पर पैरों में भी उसको ऐसा मुझे लगा यार कि थोड़ी बहुत इंजरी है, ऐसा उसको मुझे लगा। आई कैन रॉन्ग ऑल्सो, बट यार गाइस, तो ये वाली बात है। मैं आपको दोस्तों ये वाली विंडो क्यों दिखा रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, अभी आपको मैं आपके लिए विंडो चेंज कर देता हूँ एक सेकंड। वैसे इसके ऊपर कोई इमेज है नहीं यार, मैंने देखी जो अपना रेसलिंग है उसके ऊपर से मैंने देखा था, और कोई खासी इमेज थी नहीं यार, देखो अपने पास दोस्तों ये इकलौती इमेज थी यार। तो यार गाइस, तो पर चलो ठीक है यार, मेरे ख्याल से होपफुली 2 मेडल मिले, पिछले बार भी 2 मिले थे, और जो अगले साल वाले भी, अगले साल भी उस पर ऐसा होगा ना गाइस, तो फिर मेरे ख्याल तो फिर मैं अपसेट रहूंगा यार। तो चलो इस बार के लिए ठीक है, पर अगले साल दोस्तों हमारे रिजल्ट और अच्छे होने चाहिए यार, देन इट विल बी अ वेरी वेरी गुड थिंग। और मैं वही बोलता हूँ यार, अभी अभी जस्ट अभी कुछ साल ही हुआ है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अपने रेसलिंग को, तो कुछ साल और हमको वेट करना है दोस्तों, और फिर हमको रिजल्ट देखने मिलेंगे। सो वेट फॉर फ्यू मोर ईयर्स यार, एंड वी विल सी कि हमको वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों अच्छे खासे मेडल आपको देखने मिल जाएंगे। तो यार गाइस, तो यार गाइस अपने बात हुई है रेसलिंग के बारे में, अब हम चलते हैं अपना जो गाइस दुरंत था यार, दुरंत कब था, मैंने सारे टैब टैबे खोल के रखा है। तो यार गाइस दुरंत इसके बारे में चलते हैं। तो यार दोस्तों हमारे सुनील छेत्री दोस्तों बार इंडिया के मतलब उन इंडिया में जो गाइस पॉसिबल ट्रॉफी हो सकती थी दोस्तों उन्होंने सारी जीत ली यार, मतलब डोमेस्टिक ट्रॉफी जो होती है ISL उन्होंने जीत ली है, शील्ड उन्होंने जीता कि आई डोंट नो शील्ड उन्होंने जीते कि नहीं, पर हाँ अभी उनका ये भी हो गया यार, जो अपना दुरंत कप है वो भी मेरे में उनका हो गया है। सो तो गाइस उनको वो देखिए अच्छा लगा, बट एज मुंबई फैन यार चांसेस हमारे भी बहुत सारे हुए थे क्रिएट यार, पर वही बात है यार, अगर आप गोल के सामने अच्छे रहते नहीं हो, अगर आप अपने चांसेस अगर आप लेते नहीं हो मेरे पे, तो फिर ऐसे ही होने वाला है। चलो दोस्तों, बट चलो यार कांग्रेस बेंगलुरु FC, और होप करते मेरे भाई की मुंबई सिटी FC, एज ए मुंबई फैन मैं चाहूंगा जो अपने लीग है हम शील्ड जीतने की कोशिश करें, या फिर जो हमारी ISL ट्रॉफी है वो जीतने की कम से कम दोस्तों हम कोशिश करें यार। और ठीक है फाइनल में आ गए, बहुत अच्छी बात है। अभी भी हमारा जो हमारा स्ट्राइकर है जॉर्ज फर्नांडीज वो नहीं है, अपुया अभी जो अपना लास्ट मैच में आया था, तो अभी भी बहुत सारे इंक्लूजन हमारी टीम में होने वाला है, और वो ओके गाइस अच्छा ही होगा। तो लेट्स सी देखते क्या होता है। और अपना अगर मैं बात करूँ किसको क्या क्या मिला, आई थिंक उसको बेस्ट गोल कीपर जो उड़ीसा का कीपर है जिसको मिला है, तो भाई अगले साल शायद से मुंबई ATK मोहन बगान किसी क्लब में जाएगा यार, अगर अपनी परफॉर्मेंस ही अच्छी ISL में देता है तो। सो देखते भाई लेट्स सी क्या होता है, होपफुली कि वो अगर मेरे पहले मुंबई है मुंबई ले लो उसको, बिकॉज अभी मुंबई क्या था, मुंबई हमारे पास ऐसे कीपर है लक्ष्मेना भी, हमारा जो कीपर है वो भी अच्छा है। तो यार गाइस अपना जो ये है मेरे भाई, इसको तो गोल्डन बॉल मिला यार, गोल्डन बॉल लांचन चांगते को मिला है, और इसको क्या मिला है, फिर इसको क्या मिला है, इसको भी गोल्डन बॉल मिला है। ओके, गोल्डन बॉल और गोल्डन शू में फर्क क्या होता है यार,
गोल्डन बूट विनर, गोल्डन बॉल विनर, गोल्डन बॉल मतलब आई थिंक सो वो होता होगा ना, मतलब जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको मिलता होगा। तो यार गाइस, तो ये सारी, ये तो हमारी यार चैंपियंस आपकी बीएफसी बन चुकी है। तो जो भी दोस्तों बीएफसी के फैन है आपको सो मेरी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन या भाई लोग। और ये दोस्तों मैं वीडियो शूट करना भी इतना आलस पला कर रहा था ना, लिटरली मैं 2 बजे से सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो शूट करूंगा। अभी आई थिंक सो आज 22 तारीख है, 23 तारीख को तो सब वीडियो देख रहे होंगे होपफुली। मैं 2 बजे से कोशिश कर रहा था कि अभी शूट करूंगा अभी शूट करूंगा, बट अभी आके मैंने शूट किया, अभी बज रहे 6:30। तो मैं दोस्तों बहुत ज्यादा आलसी हो चुका हूँ। नहीं यार बहुत सारे काम भी है मुझे, मेरा जैसे मैं बोला असाइनमेंट है, एग्जाम आने वाले, तो उसके लिए दोस्तों मुझे माफ कर देना। बट अभी अगर मैं और बात करूँ, और क्या था पिछले हफ्ते, अगर मैं दोस्तों थोड़ी क्रिकेट की बात करूँ मेरे भाई, इफ आई टॉक अबाउट क्रिकेट, तो वुमेन्स क्रिकेट में दोस्तों हमारे हमने सीरीज जीत लिया मेरे ख्याल से, पहला और सेकंड मैच हमने विन कर लिया था वुमेन्स क्रिकेट में। तो वो दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कल हरमनप्रीत सिंह की जो पारी थी मैं देख नहीं पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली यार, मुझे देखना है बट सारे मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ही नहीं मेरे पास यार, तो उसके वजह से कैसे मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सब्सक्राइब करने की कोशिश किया था बट वो भी नहीं हो पा रहा यार, सो दैट्स अ वेरी ब्लंड। और मेरा इसमें जियो टीवी है मेरे भाई, तो मेरे लैपटॉप में वर्क नहीं करता, तो जो है वो दिक्कत वाली बात है। बट होपफुली मेरे भाई सब कुछ अच्छा हो जाए, देखते क्या होता है। और अगर मैं बात करूँ मेन्स क्रिकेट में यार, हमने 200 रन खाने के बावजूद भी वो मैच हार गए, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। बॉलिंग इज अ वेरी वेरी कंसर्न यार, चहल के ओवर में इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा था बट अभी मुझे भी थोड़ा लग रहा है डर कि अभी क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों। सो लेट्स सी देखते हैं गाइस अभी होता है क्या। तो यार दोस्तों मेरे ख्याल से यही यही है, ये तो अपना ये वाली बात हो गई। और मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। और क्या थे यार पिछले हफ्ते स्पोर्ट्स, आई थिंक बैडमिंटन में कुछ था यार, बैडमिंटन का मैंने था, पैरा बैडमिंटन में कुछ होता। उससे पहले दोस्तों थोड़ी बात कर लेते, कबड्डी है किसी बात करें, चलो एक काम करते जरा बैडमिंटन का, अभी मैंने आपसे यही उठा ही लिया दोस्तों, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बैडमिंटन में थोड़े रैंकिंग हमारे गए अभी अपडेट हो चुका है, तो दोस्तों भी आप यहाँ पे रैंकिंग दे सकते हो यार। बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग समीर वर्मा की अभी एक प्लेस हो चुका है, अभी टॉप 32 में अभी आ चुका है, साई प्रणीत 39 उसकी दोस्तों नीचे भी हो गई है। तो ये थोड़ी पहले वाली रैंकिंग एकदम जो एकदम पहले, हाँ ये वाली रैंकिंग जो मैंने इसकी बात कर रहा था, जो भाई हमारे बहुत सारे प्लेयर थे जिनकी बहुत सारे रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुई थी यार, ये आई थिंक सो अभी जस्ट है। तो यार जिसमें अगर बात करूँ किदंबी श्रीकांत, HS प्रणॉय, किरण जॉर्ज, मिथुन मंजूनाथ, सबकी दोस्तों रैंकिंग इंक्रीज हुई यार। तो यार भाई लोग इसमें मेरे ख्याल से इसकी इसकी ये नीचे आया था, ये क्या उसका नाम है अपना साई प्रणीत, मेरे पे नीचे आया था वो, आई थिंक 30 से 30 के ऊपर उसकी रैंकिंग जा चुकी थी यार। तो यार भाई लोग, और अगर बात करो तो यार दोस्तों ये रैंकिंग वाली बात हो गई। और भी कभी आई थिंक वेदना ऊपर दोस्तों आज से शुरू होने वाला था, उसके बारे में अब तक यहाँ पे उन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है। बहुत ऐसा बड़ा है नहीं टूर्नामेंट, पर यार दोस्तों तो उसमें आज मारा, उसमें साई प्रणीत है आई थिंक नंबर सेकंड सीड है, तो उसके तो सब समझ सकते हो उस टूर्नामेंट का लेवल क्या है। तो यार भाई लोग, और अगर इसमें बात करूँ युगांडा, ये पैरा बैडमिंटन का जस्ट मैंने अभी देखा यार, 3 दिन पहले अपडेट आया था कि इंडिया ने वहाँ पे 42 फकिंग मेडल जीत लिया। मतलब हमने एक एक दो कितने की इसको होता है, दो चार डजन भर के दोस्तों हमने मेडल वहां से लेके आए। एक डजन दोस्तों हमारे गोल्ड मेडल है, एक डजन दोस्तों हमारे सिल्वर मेडल है, और एक डजन दोस्तों हमारे ब्रॉन्ज मेडल है। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना जिस नाम से तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा, बट देखते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं यार। तो यार तो सोया गई, बट मैंने इसके अंदर इसको मैंने इतना देखा भी नहीं है, बट मैंने सोचा दोस्तों आपको मैं अपडेट दे दूँ। सोया गई, तो अभी अभी हम सबसे चलते अपना जो अपना बैटमिंटन ये होने वाला है, पीकेएल का दोस्तों होने वाला है। और पीकेएल का जो हमारे दोस्तों फैंस है उसके बारे में मैं बता दूँ कि पीकेएल का के लिए दोस्तों अभी आपके लिए मैं बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ। सो वेट फॉर इट गाइस, यार वेट फॉर इट, तो आपको गाइस मजा आएगा, तो उसके दोस्तों आप पक्का वेट करना। चलो ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ गया, एक सेकंड कहाँ गया, पीकेएल के स्टार्टिंग डेट चाहिए देखो, ये अपना जो अपना स्टार्टिंग का हफ्ता है दोस्तों, उसके मैचेस सारे आ चुके हैं यार। 7 तारीख को कौन से मैचेस होने वाले हैं, पहले दिन 3-3 मैचेस है, व्हाट द फक मैन। नहीं यार हमको एक ही दिन में 3-3 मैचेस नहीं चाहिए मेरे भाई, ये क्या फालतूगिरी यार, ये क्या फालतूगिरी है, ऐसा नहीं चाहिए मेरे भाई। तो एक ही दिन में 3-3 मैचेस, मैं भी मेरे मुझे शौक आ गया लिटरली यार, अगर हर एक दिन 3-3 मैचेस होंगे मेरे भाई। नहीं चलो हर एक दिन नहीं, आई थिंक सो आई थिंक फ्राइडे सैटरडे को ही होंगे, बट नहीं यार 3-3 मैच में मजा नहीं आता, मैं थक जाता हूँ, मैं 2 मैच देख के ही थक जाता हूँ। आई थिंक स्टार्टिंग के फ्राइडे सैटरडे संडे होंगे, दिस इज द शिटरी यार, वो जल्दी से खत्म करने के चक्कर में मेरे भाई पूरा ना पीकेएल का मजा ये हो जाता है यार। पर चलो अभी जो है दोस्तों वही अभी वो है जो है दोस्तों वही हमको उस पर दोस्तों अभी हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये तो कैसे अपने बात हुई यार, किसकी बात हुई अपनी है, ये तो अपनी बात हुई अपने मैचेस के बारे में। और अगर बात करूँ मुंबई के ऊपर दोस्तों, मैं एक पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ, और जब हम अपनी कौन सी लाइव स्ट्रीम करने वाला है उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। तो अभी अपने अपकमिंग मैचेस के बारे में अगर थोड़ा बता दूँ, 26 तारीख का नेशनल नेशनल होने वाले कबड्डी के, जो कि आपको देखने मिलेंगे डीडी स्पोर्ट्स पे, वो आपको इसमें अब उसका दोस्तों वॉच ऑन करने वाला है। इंडिया का आई थिंक अभी फ्रेंडली मैचेस होने वाले, आई थिंक 23-25 को ऐसे कुछ डेट है, उसमें दोस्तों आने वाले शाम को 5:30 बजे, तो वो दोस्तों उसके लिए मैं लाइव आने वाला हूँ। और क्या है, और तो मुझे कुछ याद नहीं आता। तो ये सारी चीजें दोस्तों जिसके लिए दोस्तों मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। और नेशनल अभी चल रहा है, नेशनल अभी चल रहा है, अभी मैंने देखा क्या आ गया, साई आ गया यार, साई वेरी साई आई साई का गया, हाँ साई साई ये ऐसे होता है, साई कभी साई सब में ये हो जाता है, हो जाता है गुम हो जाता है साई। हाँ ये रहा साई, ही इज अ साई,
तो अगर मैं साई की अगर उससे बात करूँ, अभी इन्होंने अपडेट, ये साई बेंगलुरु नहीं है, साई बेंगलुरु नहीं चाहिए हमको, नॉर्मल साई का गया। हाँ ये देखो दोस्तों अपना नॉर्मल साई, तो नॉर्मल साई की अगर उससे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नॉर्मल साई में दे दे दूँगा अपना। ये अपना 22 तारीख का आज का साया शेड्यूल यार दोस्तों, आप डीडी स्पोर्ट्स पे ये आप देख सकते हो, टेबल टेनिस ये भी चल रहा है। चलो ठीक है, टेबल टेनिस सब यही चलता रहता है क्या, और कुछ स्पोर्ट है कि नहीं मेरे भाई? आई डोंट नो, सिर्फ यही चलता रहता है पूरे सुबह से लेकर शाम तक। आई थिंक तो इसका ब्रॉडकास्ट होगा, और भी आई थिंक तो साइड में ये हो रहे होंगे, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। और मैं इतना इसके लिए इंटरेस्टेड तो हुआ यार, पर समय बिल्कुल भी नहीं है लिटरली ये सब देखने का, वरना मैं जरूर देखता आपके साथ। बट होपफुली दोस्तों एक आध दिन हम दोस्तों इसका वॉचलन करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे जरूर यार। तो यार बोलो अभी इतने ऑक्शन किसके होने वाले, ऑक्शन को जो भी और कोई लीग आने वाले क्या? द पीएम मेंशन ऑक्शन 2022 इज हैपनिंग नाउ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसके ऑक्शन है आपके? ओके अपने जो टी शर्ट बी शर्ट है, जो मैस्कट है उसके ऑक्शन है, तो मतलब नॉट आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड अबाउट दैट। सो यार गाइस, और बहुत सारे बोल रहे हैं हॉकी में कोई तो कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, मुझे कंट्रोवर्सी में कोई इतना ये होता नहीं है, बट एक मैंने आर्टिकल देखा था जितना मुझे याद आ रहा है, तो जो अपने मनप्रीत सिंह है मेरे भाई, उनके ऊपर ये लगा है, मतलब आरोप किया है कि उन्होंने किसी अपने ये जूनियर प्लेयर को बोला था कि भाई तू तो अच्छा खेल मत, ऐसा कुछ तो मतलब है। मुझे फुल्ली से पता नहीं है, बट जितना उसमें मैंने पढ़ा था ऐसी कुछ तो कंट्रोवर्सी है यार। तो और मुझे इसमें लिटरली इंटरेस्ट नहीं है, एक भाई बंदे ने बोला था कि उसके ऊपर वीडियो बना दे, बट ये कंट्रोवर्सी से मैं दूर ही रहता हूँ यार। मुझे मैच देखने में बड़ा मजा आता है, एंड में दोस्तों मैच के बाद जो भी चलता है आई डोंट इंटरेस्टेड, और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा सीरियस होगा तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा, बट अब सो फार गाइस सो गुड। तो चलो ठीक है, ये तो गाइस इसकी बात हो गई। और क्या था पिछले हफ्ते में, और मैंने और क्या मिस कर दिया, मैंने और क्या मिस कर दिया होपफुली, और तो मैंने कुछ मिस कर दी करने दिया। हाँ आई थिंक गाइस मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया लगभग। चलो दोस्तों तो यही था दोस्तों हमारा यार आज का एक छोटा सा दोस्तों अपना एपिसोड। मैंने सोचा बहुत समय हो गया दोस्तों, मैंने अभी कुछ ये नहीं किया यार, कवर नहीं किया, तो गाइस मैंने सोचा चलो यार अभी आप ये एक छोटे से एपिसोड में दोस्तों हम सारी की सारी चीजें कवर दोस्तों इन शॉर्ट कर दे। तो बस दोस्तों अभी आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर दोस्तों मैंने कुछ मिस किया दोस्तों, तो प्लीज कमेंट में मुझे बता देना यार। इसके लिए मैं कुछ एक फॉर्म भी एक ये मतलब कुछ एक रखने वाला है कि जहाँ पे दोस्तों आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सको कि हफ्ते में क्या क्या हुआ दोस्तों, उसके बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकूँ यार। तो वैसे ट्विटर व्टर पर मुझे मिलता नहीं यार, मुझे ट्विटर यूज करना आता नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट वेबसाइट है यार, मतलब वेबसाइट नहीं बोलूंगा, ट्विटर पर हैंडल्स है, पर मुझे ट्विटर यूज करना नहीं आता। ट्विटर सबसे फालतू ऐप है यार उसका, वो मतलब आई डोंट नो, मुझे वो बराबर से यूज करना नहीं आता, वरना जब तो मैं अच्छे से अपडेट हो देता। पर जितना मेरे ख्याल है मैंने आपको जो मेन मेन अपडेट है जो अपने मेन मेन अपडेट है वो आपको मैंने दे दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, चल के भाई साहब पीस आउट।